अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा उर्दू ट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं आपको। दोस्तों, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने जा रहा हूं नादरा के हवाले से। अगर आप बच्चों का बे फॉर्म बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए नादरा ने कुछ रूल्स में तब्दीली की है जो मैं अब आपसे शेयर करूँगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को मज़ीद आगे देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। तो दोस्तों, जब आप बच्चों का बे फॉर्म बनवाने जाते हैं तो होता ये था पहले कि आप अगर बच्चा छोटा है, यानी कि पॉलिसी ये थी नादरा की कि अगर 10 साल से बच्चा छोटा है तो आप विदाउट डॉक्यूमेंट्स बच्चे का बे फॉर्म प्रोसेस करवा सकते थे। बे फॉर्म को CRC भी कहते हैं, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो कोई डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती थी, तो सिंपली आप वालदैन के शनाख्ती कार्ड शो करते थे और वालदैन में से दोनों या कोई एक पेरेंट जाके अप्लाई कर सकता था बे फॉर्म के लिए। और उसी तरह हो ये रहा था कि जो बच्चे बड़े हैं, 10 साल से ऊपर जिनकी एज है और 18 साल से कम है, तो उनके लिए था कि वो बर्थ सर्टिफिकेट शो करते थे या उनका कोई स्कूल सर्टिफिकेट शो किया जाता था और उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस भी ज़रूरी होती थी बच्चे की, तो फिर बच्चे का बे फॉर्म प्रोसेस होता था। लेकिन अब नादरा ने ये कर दिया है कि एसेंशियल कर दिया है कि आपके पास जो यूनियन काउंसिल का बर्थ सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी हो। यानी बच्चा किसी भी एज का हो, चाहे वो एक दिन का हो, चाहे वो 17 साल और 11 महीने का हो, उसके पास होना चाहिए कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट। जी बिल्कुल, यानी कि जो यूनियन काउंसिल से बनता है बर्थ सर्टिफिकेट, CBRC भी जिसे कहते हैं, चाइल्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो होना आपके लिए ज़रूरी है। आप पहले वो बनवाएंगे, उसके बाद आप नादरा विज़िट करेंगे और नादरा से बच्चे का कंप्यूटराइज बे फॉर्म या CRC आप प्रोसेस करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी जो चीज़ सामने आई है वो ये कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है यूनियन काउंसिल का वो वेरीफाइड हो, यानी उसका रिकॉर्ड नादरा के पास आता हो। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है यूनियन काउंसिल का, वो लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लोकल गवर्नमेंट उसको बनाती है और वो होता कंप्यूटराइज है, लेकिन वो डायरेक्टली नादरा से नहीं बन रहा होता। नादरा से जो चीज़ प्रोसेस होती है उसका नाम है CRC या बे फॉर्म, और उस बे फॉर्म या CRC की बेस के ऊपर ही आपका शनाख्ती कार्ड बनता है। यानी बच्चा जब 18 साल का हो जाता है तो उसी बे फॉर्म नंबर के मुताबिक अपना आईडी कार्ड अप्लाई करता है, जबकि जो चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है यूनियन काउंसिल ऑफिस का, उसकी इतनी कोई वर्थ नहीं थी। यानी उसकी बेस के ऊपर आपका नादरा का कार्ड नहीं बनता था, ना आपका पासपोर्ट प्रोसेस होता था, लेकिन अब उसको भी पावर दी गई है और अब बग़ैर CBRC या बर्थ सर्टिफिकेट के बग़ैर आप अपने बच्चे का बे फॉर्म नहीं बनवा सकते। अच्छा, अब इसमें यह होता है कि जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अगर नहीं है या उसका रिकॉर्ड नादरा में नहीं आ रहा, क्योंकि नादरा जो है, नादरा में जब आप जाते हैं ऑफिस में तो वो चेक करते हैं आपके बर्थ सर्टिफिकेट को कि उसका डेटा उनके पास शो होता है या नहीं होता। अगर वो वेरीफाइड नहीं है, उसका रिकॉर्ड नहीं आ रहा नादरा के पास, तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास बच्चे का स्कूल सर्टिफिकेट हो। जब आप बच्चे का एडमिशन कराते हैं स्कूल में तो जो एडमिशन स्लिप है या जो भी स्कूल का सर्टिफिकेट है, उनके लेटर हेड पे कि ये बच्चा स्टूडेंट है और इसका ये नाम है और इसकी ये डेट ऑफ बर्थ है, वो मेंशन करके स्कूल की इंतज़ामिया दे देगी आपको, तो वो भी एक्सेप्टेबल होता है नादरा में, उसकी बुनियाद के ऊपर भी बे फॉर्म बन जाएगा। या इसके अलावा अगर आपके पास बच्चे के हॉस्पिटल का बर्थ सर्टिफिकेट है, सिर्फ एक बर्थ रिपोर्ट जैसा कि बच्चों की होती है, अगर वो किसी हॉस्पिटल की है आपके पास, तो वो भी नादरा एक्सेप्ट करेगा। तो ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, जो नया रूल है कि बग़ैर अब CBRC के बग़ैर, यानी यूनियन काउंसिल के बर्थ सर्टिफिकेट के बग़ैर, आप बच्चे का बे फॉर्म प्रोसेस नहीं करवा सकते। तो पहले बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाएं यूनियन काउंसिल जाके, और उसके बाद फिर आप नादरा का विज़िट करके नादरा से बच्चे का बे फॉर्म बनवाएं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी अपडेट, मैंने मुनासिब समझा कि अपने व्यूवर्स से शेयर करूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।